भारत विकास परिषद हरियाणा में, जो कि ये एनजीओ की संस्था है। और आज हम मिलेंगे श्री प्रदीप जी से, जो पूर्व सैनिक और परिषद का काम करते हैं। प्रदीप जी, सभी समाज सेवी बंधुओं को नमस्कार। और पवन जी, आपका विशेष रूप से धन्यवाद कि आज आपने हमारे भारत विकास परिषद हरियाणा के जो कुछ सामाजिक कार्य हैं उनको लोगों के आगे रखने के लिए मैं आपका और आपकी टीम का धन्यवाद करता हूं। और आज जो हमारा वित्तीय वर्ष है वो 2023 समाप्त होने जा रहा है और 2024 मार्च में हम नए अध्यक्ष और सेक्रेटरी तथा कैशियर, जिसको कोषाध्यक्ष बोलते हैं, उनका हम चुनाव करने जा रहे हैं। तो इस पिछले लगातार 2019 से हम इस समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। हरियाणा में बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं थीं, किंतु एनजीओ के नाम पे, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमें जियो टैगिंग और वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कोई स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते रहते हैं कि कोई दून यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उनको कुछ गार्बेज से, इलेक्ट्रिसिटी और पॉलीथीन से पेड़ लगाने, पानी की वेस्टेज को रोकना, इस तरह के प्रोजेक्ट्स उनको दिए जाते हैं। तो पिछले सालों में हमें कई स्टूडेंट्स ने भी कांटेक्ट किया, फिर उनको जैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। हरियाणा में हमारी ही संस्था ऐसी है जो रजिस्टर्ड है, और भारत विकास परिषद होशियारपुर में इसकी 6 ब्रांचेज है टोटल, जिसमें से हरियाणा भी एक है, और पूरे भारतवर्ष में ये कनेक्टेड है। पंजाब पश्चिम ब्रांच में हम मैडम अरुणा पुरी जी की अध्यक्षता में काम करते हैं। हमारे होशियारपुर जिला के जो अध्यक्ष रहे हैं पहले, कमांडर संसार चंद शर्मा जी थे, और अभी विवेक शर्मा जी हैं, और उसके बाद श्याम सुंदर संजीव अरोड़ा जी, और वो हमारे जिला होशियारपुर के अभी प्रधान हैं, जो आज सिलेक्शन कमेटी में मुख्य मेहमान के तौर पर भी आने वाले हैं। रही बात समाज सेवा की, आजकल सबसे बड़ा प्रश्न तो ये हो गया है कि संस्था में सम सोच वाले लोगों को जोड़ के रखना। तो प्रदीप जी, जैसे आपकी जो संस्था वो क्या क्या समाज में क्या क्या कर रही है? हमारे हरियाणा में जैसे जो संस्था है, तो हम अपने जिला और जो प्रदेश और देश की जो बाकी संस्थाएं हैं उनको सहयोग करते हैं आर्थिक तौर पर भी, ताकि वो जैसे भारत विकास परिषद का पूरे पंजाब का ऋषि नगर में, लुधियाना में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें नकली अंग जिनको ज़रूरत होती है वो लगाए जाते हैं, और वो बिल्कुल निःशुल्क लगाए जाते हैं। वहाँ पर किसी भी तरह की पढ़ाई जो है बच्चों की, उसके लिए भी बहुत कैंप लगते हैं, और आई डोनेशन और आई चेकअप के कैंप्स भी लगते हैं। अभी हरियाणा में हमारे पास बहुत सारे लोगों की डिमांड्स नहीं आती, इसलिए हम ये लोग हम यहाँ पे ये कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। जब हमें लगेगा कि बहुत सारे ऐसी डिमांड्स आती हैं, अदरवाइज़ जैसे एक एक दो दो आते हैं तो हम उनको होशियारपुर में या लुधियाना में भेज देते हैं। तो प्रदीप जी का ये कहना है कि समाज को ऐसे एनजीओ की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? तो आज हम आपको हरियाणा में जो सिमी डडवाल हैं उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, सिमी डडवाल जी, हाँ जी, आप आज को अहदा देंगे हरियाणा से, और आपको आगे भी आप बताएंगे आपका क्या। हाँ जी, सबसे पहले सबको मेरी नमस्कार, और मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इस लायक समझा गया, ताकि जो मुझे प्रेसिडेंट का अहदा देने जा रहे हैं, तो मैं इस चीज़ के लिए मैं पूरा पूरी मेहनत करूँगी, ताकि मैं इस अहदे के लिए खरा उतरूँ और समाज में अपना योगदान देने की पूरी पूरी कोशिश करूँ। क्योंकि आजकल लोगों के पास पैसा बहुत है, समय कम है, और संस्कारों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हम उस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे, ताकि मतलब पैसा तो हर कोई कमा सकता है, ठीक है, बट जो संस्कार हैं वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम सोसाइटी में लोगों की मदद भी करें, फाइनेंशियली भी मदद करें, और मोरल सपोर्ट भी करें, और हम उनको संस्कार भी दें, ताकि हम अपने समाज को एक अच्छा समाज बना सकें और एक अच्छे समाज को एक अच्छा देश बना सकें। तो सिमी डडवाल जी, ये है कि सिमी डडवाल जी नारी शक्ति को आगे लेके जा रहे हैं और इनको आज अहदा देने जा रहे हैं, तो ये अपने कार्य में आगे सब। आपने जो कोविड हुआ था तो उसमें आपने क्या योगदान? जी हाँ, वो मेरे जो कोलीग्स हैं एनजीओ में, उसमें से कुछ तो मेरे सामने ही बैठे हैं, नागेश कालिया जी हैं और मैडम हैं, हम लोगों ने गली गली में जा कर के, और पुलिस थाने में और जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनमें जाके हमने जो फॉगिंग किया, और उसके बाद जो दवाई होती है उसमें मिक्स करके, जिससे ज़्यादा अवेयरनेस किया इसके बारे में कोरोना। जी हाँ, हमने मास्क बांटे,
हमने वहाँ पे डिमांड थी जंग में, जी हाँ, वहाँ पे इस चीज की थोड़ी किसी को पता नहीं था कि कोरोना क्या चीज है क्या और क्या नहीं था, और राशन बांटा है, घर जाके अपने सारा ही कोरोना के बारे में बताया है जी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अब कई बार हमें वो चीज़ें उतनी हम जैसे बाकी बताने में हम लोग झिझकिचाते हैं, क्योंकि हमारा ये प्रोफेशन भी नहीं है, हम थोड़ा राजनीति से दूरी बनाए रखते हैं ताकि हम लोग अपने समाज सेवा के ऊपर कंसंट्रेट कर सकें। तो जैसे पैम्फलेट बना के लोगों को अवेयर करना, वो सारे काम, और ड्राई और वेट राशन डिस्ट्रीब्यूशन, अभी कुछ देर पहले ही हमारे पास एक डिमांड आई थी पीखवाल से कि उनके पास उनको व्हीलचेयर की ज़रूरत है, तो वो हम हमारे साथियों ने कंट्रीब्यूट करके उनको वो प्रोवाइड करवाया। और किसी को जैसे मैंने अभी बोला था कि प्रत्यार्पण, किसी को टांग की ज़रूरत थी नकली, तो वो 2,44,000 रुपए का उसका जो ऑपरेशन और उसके बाद जो उसको अंग प्रत्यर्पण किया वो निशुल्क हमारी ऋषि नगर लुधियाना ब्रांच ने वो प्रोवाइड करवाया। तो मैं आपके माध्यम से भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति को नकली हाथ पैर की ज़रूरत है और कोई दिव्यांग हैं, तो इस तरह की सुविधा ऋषि नगर में उपलब्ध है। आप हमारे माध्यम से भी और या फिर हमारे जो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं डायरेक्टली उनसे भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जो कि गरीब लड़कियों के विवाह और इस तरह के आर्टिफिशियल अंग लगाने के लिए हमारी संस्था जानी जाती है। और संस्थाएं बनती रहती हैं, संस्थाएं जाती रहती हैं, किंतु अपने आप को करप्शन में, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व करके अपना और समाज सेवा के नाम को बर्बाद करने से अच्छा है कि आप काम थोड़े करो, कम करो। मेरा ऐसा मानना है, हमारी पूरी संस्था में ऐसे ही लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारी ऐसी ऑफर्स आती रहती हैं उल्टे सीधे काम करने के लिए, बट हम उसमें अपने आप को जाना अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि परिवार से समय निकाल के हम समाज सेवा के लिए आगे आते हैं। इसके बाद अगर फिर हम उन चीज़ों में लिप्त हो जाएं जो हमारे कप ऑफ टी है ही नहीं, तो वो फिर उसमें हमें बुरा लगेगा। तो प्रदीप जी का यह कहना है कि नारायण सेवा है जो वो दिखा के नहीं होनी चाहिए, जो स्पष्ट करते हैं। समाज सेवा के ऊपर कुछ लोग ये पूछते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कोई जानता नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं घर में, मुझे कोई इधर उधर 100 प्रॉब्लम्स होती हैं। लोग ये बताते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं उसके लिए अपने युवान भाई बहनों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि वो क्या कर सकते हैं। एक बार एक फ़कीर लाइन में खड़ा होता है ना, तो राजा सबको कंबल दे रहा होता है। तो जब उस फ़कीर का नंबर आता है तो वो सबको आगे करता रहता है और बोलता है कि मैं तो फ़कीर हूँ, मेरे घर में बच्चे नहीं हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आप गृहस्थी हो तो आपको इन चीज़ों की कंबलों की ज़रूरत है। तो सबको वो आगे करता रहता है, आगे करता रहता है। जो वज़ीर देखता है कि ये जो फ़कीर है ये सभी को आगे ना कर रहा है और जानबूझ के कर रहा है, जब उसकी बारी आती है तो कंबल ख़त्म हो जाते हैं। तब वो उसको बादशाह के पास लेके जाता है, बादशाह के पास लेके जाता है कि हमें ये जो बंदा है इसने जानबूझ के अपनी जो बारी है वो दूसरों को दी। तो जब वो बादशाह सलामत के पास उसको लेके जाते हैं तो वो पूछता है कि बादशाह आप नहीं हैं, मैं हूँ, आपके पास देने के लिए कंबल थे बट मेरे पास देने के लिए मेरी बारी थी। तो इस तरह हमारे हम सब के पास कुछ ना कुछ समाज को देने के लिए है, बशर्ते कि हम ये ठान लें कि हम क्या दे सकते हैं। आप अपना समय दे सकते हैं, आप अपना ज्ञान दे सकते हैं, आप अपने गली मोहल्ले में सफाई करवा के, वो भी समाज सेवा है। कहीं पे कूड़े का कोई लिफाफा रखा हुआ है, कहीं बस में जा रहे हैं, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, किसी को गाइड कर सकते हैं, किसी के साथ धोखा होने से हम बचा सकते हैं, जैसे ATM में या साइबर के क्राइम हो रहे हैं, किसी को डिजिटल माध्यम से हम शिक्षा दे सकते हैं कि आपके पैसे चोरी ना हो। तो इस तरह ये सब समाज सेवा में ही आता है। समाज सेवा वो नहीं होती है केवल कि फ़ोटो करवानी और एक न्यूज़पेपर में ऐड आ गई तो ही समाज सेवा होगी। हम देखते रहते हैं ऐसे मैसेज आए हैं कि 4 लोगों को 2 लोगों ने केले दिए तो वो भी समाज सेवा और हंसी के पात्र बनते हैं। तो हंसी के पात्र बनने से अच्छा है काम ही उतना कीजिए जितना आपसे हो सकता है। और हमें वैसे भी हमने कोई प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से करनी नहीं है कि कौन सी समाज सेवा को कैसे करना है। और जो हमारे बुज़ुर्ग भाई बहन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं NGO के माध्यम से कि यूथ को आगे आने का अवसर दें। पहले ही यूथ कैनेडा अमेरिका में जा चुका है और हमारे पास बहुत लिमिटेड अवसर और बहुत लिमिटेड सोर्सेज बचे हुए हैं। तो जो यूथ हैं उनको अकोमोडेट कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी संस्था हमारे साथ ही ख़त्म हो जाए और मैं एक क्षेत्र पर प्रधान बना रहूं। ऐसा समाज में हम देखते हैं कि सोसाइटी तभी तक चलती है जब वो उसमें एक प्रधान रहता है, उसके बाद सोसाइटी ही ख़त्म हो जाती है क्योंकि हमें समय रहते किसी को स्पेस ही नहीं दिया। तो यूथ भाई बहनों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब जहाँ पे भी हैं वो किसी भी संस्था से जुड़ के या व्यक्तिगत रूप से भी कोई सफाई करके या किसी तरह की और किसी को डिजिटल माध्यम से अपग्रेड करके अपने अपने लेवल पे समाज सेवा करें और देश और समाज को उन्नत करने में, जैसा कि हमारी संस्था का नाम है, भारत को विकसित बनाने में
हमारा और अपने आप का, अपने बच्चों का वो एक हेल्प करें, सहयोग करें। धन्यवाद। श्री संजीव अरोड़ा, अध्यक्ष भारत विकास परिषद होशियारपुर, ज्योति प्रज्वलित करते हुए, और साथ में श्री प्रदीप प्रभाकर, और उसके साथ सिमी डडवाल प्रधान, जसविंदर सिंह सचिव, श्री राजेंद्र मोदगिल, सुरजीत सोनू कौशल्या और प्रदीप प्रभाकर, नागेश कालिया प्रिंसिपल डीएवी, श्री मती सुन प्रभाकर, श्री रमन शर्मा, श्री भूपिंदर सिंह, जीत सिंह, ये सभी इस पक्ष में उपस्थित थे। हरियाणा दी आज इस चुनावी बैठक दे विच आप सब दा बहुत बहुत वेलकम है। जिवें कि सानू सारिआं नूं पता है कि पिछली टेनोर दे विच जिहड़ी कि हुण खत्म होण जा रही है, नवीं टीम दा गठन जिहड़ा है अगले साल वास्ते कीता जाणा है, उस दे संबंध दे विच अज जिहड़ी है इह चुनावी बैठक श्री प्रदीप शर्मा जी दी अध्यक्षता दे विच हो रही है। सो मैं हुण बेनती करांगा कि सब तो पहला प्रधानगी दे इलैक्शन वास्ते अगर तुहाडे दरम्यान कोई भी व्यक्ति ऐसा बैठा है जो इच्छुक है वो अपना नाम जिहड़ा आ वो प्रधानगी पद वास्ते पहला कोई ना कोई नाम स्पोंसर करेगा, फिर दूसरा उन्हें सैकंड करेगा। प्रधान पद वास्ते कौन इंटरस्टड है? सिमसी डडवाल। की नाम मैडम? सिमसी डडवाल जी। हाँ, प्रधान पद वास्ते मैडम सिमसी डडवाल जी का नाम जिहड़ा आ वो प्रपोज किया गया है। अगर किसी नूं इस दे विच कोई ऑब्जैक्शन है या कोई होर कैंडीडेट प्रधानगी पद वास्ते आना चाहता है अगे तो वो अपना नाम पेश कर सकता है। मैडम सिमसी डडवाल, हरियाणा ब्रांच भारत विकास परिषद, अगले साल वास्ते प्रधान नियुक्त किए जाते हैं। इस दे नाल ही सैकटरी वास्ते सेम पोजिशन होएगी, सैकटरी वास्ते जो भी नाम है वह प्रपोज किया जाए। जिस तरह मैं अज स्टेट तो एक प्रतिनिधि के तौर पर इलैक्शन करवा लिए इतने आया, मैं प्रांतीय कन्वीनर, नेत्रदान, रगतदान और शरीरदान, इन तिनां नूं लैके भारत विकास परिषद वालों समय समय सिर जिहड़े प्रोजैक्ट है वह लगाए जाते हैं। नेत्रदान बारे मैं तुहानूं थोड़ा अवेयर करांगा। नेत्रदान जिहड़ा प्रोजैक्ट है, जदों किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो साड़ी टीम के मैंबर जदों इनफॉर्मेशन आ जाती है और डॉक्टर्स की टीम नूं नाल लै के उन्होंने घर विखे जाते हैं। सिर्फ 15 तो लैके 20 मिनट का समा वध तो वध लगता है दोनों अखां लैण नूं। जदों दोनों अखां लैके 6 to 8 घंटे के अंदर अंदर वो जिहड़ी अखां ने वो लै लिया जांदियां ने और 72 घंटे के अंदर अंदर वो जिहड़ी अख है असीं उहनूं ट्रांसप्लांट जिहड़ा अंधे व्यक्ति नूं कर दिंदे हां। एक व्यक्ति द्वारा दान कीतियां गईयां 2 अखां दो लोगों की अंधेरी जिंदगी नूं रोशन करदियां ने। तुसीं सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हो अगर असीं अपनी अख के उपर हथ रख के कहीए भी असीं थोड़ा बाहर तक जाना है तो सानूं की महसूस होएगा। रस्ते कुर्सियां पईआं ने, टेबल पिया, कोई ना कोई होर चीज़ पई है, फ्रिज पिया, पता नहीं अभी किन्नी जगह से ठोकरा खानियां ने। तुसीं इह सोचो जिहड़ा बंदा बिल्कुल किन्ने सालों तो अंधेरी जिंदगी जी रहा है किन्नी मुश्किल है उहदे लई। साढ़े मरण तो बाद सिर्फ 2 चुटकी सवाह ऐनिक अखां दी बन जाणी। अगर असीं मरण तो बाद यह अखां दान कर दिंदे हां तां 2 व्यक्तियों की अंधेरी जिंदगी नूं रोशनी मिलती है। उन्हां नूं पुछ के देखो जिस बंदे नूं लाइट मिलनी है। मैं तुहानूं एक छोटी जिही एग्जाम्पल दिंदा। एक जदों असीं अख दी पट्टी खुलाने हां तां किसी ना किसी एडमिनिस्ट्रेशन दे विच्चों VIP पर्सनैलिटी नूं असीं बुलाने हां। जदों एक बंदे की पिछले कोई 18-20 साल तो उहदी निगाह बिल्कुल दोनों अखां की नहीं सी, बहुत गरीब परिवार चों बंदा सी, जदों उसकी अख की पट्टी खुलन लगे
ਤਾਂ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ 20-25-28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਦੋਨੋਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ 19 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਈਜ਼ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ 19 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਤਾ। ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੇਅਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਾਈਂਡ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੰਕਾਰਾ ਆਈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਆਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਖ ਨਵੀਂ ਪੇ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਬੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, 1 ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਪ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਗਵਾੜੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ